जी वालेकुम उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा एक अच्छा दिन कह सकते हैं मार्केट के लिए 670 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने ऐड किए सारा दिन अगर हम मार्केट का जायजा लें तो कोई खास वॉल्यूम नहीं था और उसके साथ मार्केट में जो मूवमेंट थी वो भी ना होने के बराबर थी लेकिन उसके बाद जो है वो ना सिर्फ के मार्केट uh, में थोड़े से वॉल्यूम जनरेट हुए एक्स्ट्रा वॉल्यूम जनरेट नहीं हुए वॉल्यूम जनरेट जरूर हुए एवरेज वॉल्यूम था आज लेकिन अच्छी बात यह है कि उन शेयर्स के अंदर हमें वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आया जो कि मार्केट को मूव करते हैं के एस सी हंड्रेड के जो भारी बरकम शेयर्स हैं देन उसके बाद जो है वो हमें मार्केट में थोड़ी सी जो है वो बेहतरी देखने को मिली आगे चल के इंशाल्लाह कैंडल पर बात करेंगे Uh, 670 सौ सत्तर पॉइंट्स के इजाफे के साथ अगर हम सर्किट uh, ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज जो है वो दस कंपनियां जो है वो हमें अपर कैप में नजर आ रही हैं जिसमें अच्छे वॉल्यूम के साथ एस है उसके बाद क्लाउड की वापसी हुई अब देखिए गुजश्ता काफी दिनों से और हम अक्सर अपनी वीडियोज में इस चीज का जिक्र करते रहते हैं कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इन होती हैं फिर उसमें एकदम से वॉल्यूम लगना शुरू होता है फिर वो कैपो कैप जाना शुरू हो जाती हैं और हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो बगैर सोचे बगैर समझे सिर्फ इस बिना पर उस कंपनी में कूदने की कोशिश करते हैं कि जी इसको कैप लग रहे हैं और फिर जब वो नीचे के कैप लगने शुरू होते हैं तो फिर भी उनको कोई समझ नहीं लगती तो इसलिए कंपनीज के हवाले से जिस वक्त आप शेयर्स का इंतख्या करें तो कोशिश ये किया करें कि थोड़ा सा होमवर्क कर लें ताकि आपको मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स और चैनल्स पर यह अपना पूछने की जरूरत पड़े कि जी फलान शेयर जो है वो नीचे जा रहा है तो उसको क्या हुआ है आपको कुछ ना कुछ अंदाजा होगा कि ये कितना नीचे जा सकता है कितना ऊपर जा सकता है कुछ थोड़ा सा आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं लॉस एंड प्रोफिट के हवाले से अपने ट्रेड को थोड़ा सा प्लान करके चलेंगे तो यकीन एक अच्छी ट्रेड जो है वो आप करने में कामयाब होंगे लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में सच कुछ कोई बड़ी कंपनी जो है या को बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा ओवरऑल अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज सबसे पहले अगर हम देखें तो आज कमर्शियल बैंक्स में थोड़ी सी हमें बेहतरी नजर आई फर्टिलाइजर पे थोड़ी सी बेहतरी नजर आई ऑयल एंड गैस में थोड़ी सी मूवमेंट हुई सीमेंट में हुई तो रफली तमाम के तमाम सेक्टर्स जो हैं उसमें थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो है वो हमें देखने को मिली अः वाइज अगर हम देखें किस सेक्टर ने कितने पॉइंट्स डाले तो सेक्टर वाइज कमर्शियल बैंक हमें आज 300 पॉइंट्स के साथ लीड करता हुआ नजर आ रहा है अब देखिए अभी कल ही जो था वो मैंने बल्कि उससे पहले भी वीडियोस में मैं जिक्र करता रहा हूं अग, लेकिन कल मैंने तफसील के साथ थोड़ा सा बात करने की कोशिश की थी कि बहुत सारे शेयर आपको नजर आ रहे होंगे जो कि अपना टॉप लगाकर नीचे आ चुके हैं अब देखिए साथ ही जो है वो अब मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सर पर खड़ी है अब मॉनेटरी पॉलिसी के नतीजे में कुछ ना कुछ जो है वो उम्मीद की जा रही है कि कोई एक परसेंट जो है वो शराय सूद नीचे आने के चांसेस हैं अब यहां पर जो सिचुएशन बनेगी वो क्या होगा कि मार्केट में आपको थोड़ी सी मूव नजर आएगी और मूव नजर आने से जो जहां से शेयर्स गिरे थे उसके करीब करीब जो है वो शेयर हुए महसूस होंगे लेकिन अब अगर आप कूदेंगे कि रुपए वो शेयर चल गया अब दो से तीन रुपए तो फिर आप जो है वो पैनिक हो जाएंगे कोशिश ये करें कि अगर आपने एक लंबी छलांग लगानी है तो उसको प्लान कर कर चले या फिर आपने अगर जिस तरह से हमारे अब दो ग्रुप्स हैं हम दो तरीकों से काम करते हैं हम स्विंग ट्रेड भी करते हैं हम जो है वो डेली बेसिस पर काम भी करते हैं अब डेली बेसिस पर जो हमारे काम होते हैं उसमें चांसेस होते हैं कि ट्रेड जो है वो एक दो तीन दिन में या एक हफ्ते में या दस दिन में वो ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी डे ट्रेड का हमारा ये कतन मतलब नहीं है कि हमने एक शेयर खरीदा तो हमने वो लॉस में है या प्रॉफिट में है वो हमने शाम को जो है यानी कि तीन बजे साढ़े तीन बजे वो ट्रेड क्लोज करके जाना है ऐसा नहीं है हम उसको लेकर चलते हैं आप जिस तरह से आगे चल के इनशाला शेयर करेंगे आपके साथ मैं कल भी करना चाह रहा था लेकिन चूंकि कल मार्केट का माहौल बड़ा ठंडा था तो मैंने इग्नोर किया कि ऑयल एंड देन उसके बाद फिर जो है वो मार्केट हमें थोड़ा सा मूव करती हुई नजर आई ऑटोमोबाइल्स ने भी थोड़े से पॉइंट्स जो है वो ऐड किए आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कुछ खबरें हैं खबरों से पहले हमारी जो ट्रेड्स थी उसमें पेस की ट्रेड अभी चल रही है। पांच रुपए अड़तीस पैसे की कॉल थी साठ पैसे पर ट्रेड कर रहा है उसके साथ सिस्टम था हमारा चार सौ बारह का चार सौ सोलह चार पांच रुपए इसमें से मिले अभी देखेंगे क्या करना है इसके साथ डीजी खान था सेवन सेवन पॉइंट सेवन फाइव की कॉल थी एटी टू पर है अभी देखेंगे इसका क्या करना है इसके साथ और भी ट्रेड्स हैं जो कि माशाल्लाह ठीक चल रही हैं उसको कल कोशिश करेंगे कि आपके साथ शेयर करें अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या आप हमारा बाइसल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या वन ऑन वन की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं जिसमें आप हमारे साथ अपना पोर्टफोलियो भी डिस्कस कर सकते हैं नया पोर्टफोलियो बनाना है उसके हवाले से बात कर सकते हैं आपके पास फंड्स हैं उसको मनी मार्केट और स्टॉक मार्केट में किस परसेंटेज के साथ लेकर आना चाहिए वो डिस्कस कर सकते हैं यानी कि पोर्टफोलियो का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ स्टॉक मार्केट के हवाले से डिस्कस करना है अगर आप ओवरऑल डिस्कस करना चाहते हैं कि जी मेरे पास इतना पैसा है मैं उसको किस तरह से डिवाइड करूं कि मनी मार्केट में और उसके साथ स्टॉक मार्केट में मैं उसको बैलेंस लेकर चलूं आप अपने मामला डिस्कस कर सकते हैं कि जी मेरे पास इतना पैसा है इतने मेरे अखराजात हैं इतना मुझे मंथली चाहिए तो उसकी मैं परसेंटेज किस तरह से डिवाइड करूं कि मेरा किचन भी चलता रहे और मैं उसको मनी मार्केट और स्टॉक मार्केट के साथ अपनी जो रि मेरी रिस्क एंड रिवॉर्ड की जो रेशो है या जो मेरा आउटपुट है उसको भी मैं किस तरह से मेनटेन कर सकूं तो बेसिकली ये पर्सनल कंसल्टेशन जो है इसमें सारी चीजें शामिल होती हैं और हमारी कोशिश होती है कि इसमें तमाम चीजों को डिस्कस किया जाए जो भी आपके सवाल आते हों आप वो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं तो ये आपके सामने जो है ये ये नंबर है ये पाकिस्तान का नंबर भी है लेकिन ये है सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर ये चीज ऐहन में रखिएगा आ, दो नंबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि अगर आप हमारा बाइसल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं तो ये दो नंबर को आप जो है वो नोट फरमा लीजिए दोनों के दोनों व्हाट्सएप पर मौजूद हैं देन आप अपना रहा कीजिए वॉइस मैसेज करेंगे तो आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा आगे चलते हैं जी सबसे पहली खबर जो है जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाती हुई नजर आ रही है वो ये है बैरूनी फाइनसिंग में नाकामी पर आई एम एफ एग्जैक्टिव बोर्ड से कर्ज मौखर होने का इम्कान अब देखिए ये जो इस किस्म की खबरें होती हैं ना उसका टाइटल भी पढ़ा करें उसके साथ उसकी तफसी कोई चीज नहीं है अब ज्यादा से ज्यादा जो मौखर होगा वो क्या होगा मौखर यह होगा कि जो नेक्स्ट जो है वो इजलास होगा उसमें हमारा केस जो है वो शामिल कर दिया जाएगा जो कि अक्टूबर के महीने में होगा अब इससे यह नहीं हो सकता कि एम हमसे ये कि चूंकि अभी तक जो है वो अपनी बैरूनी जो टास्क है वो मुकम्मल नहीं किया तो लिहाजा हम जितना भी काम आपने किया वो सारा का सारा खूख और अब जो है वो हमारी और आपकी जो बात है वो खत्म हो गई ऐसा नहीं होता ये टाइटल होते हैं खबरों के चीजों को लेकर जो है वो पैनिक भी फैलाने की कोशिश की जाती है ऐसा कुछ नहीं है मामलात बिल्कुल ठीक चल रहे हैं हकूमत जो है वो अगर आप पहले की नस्बत देखें तो मुझे मजबूत नजर आ रही है आ, कल जिस तरह से उन्होंने पीटीआई वालों को फेंटा लगाया है और उसके बाद के जो मामला चल रहे हैं हकूमत अपने पाव मजबूत करती हुई नजर आ रही है तो वक्ती तौर पर ये चीजें हैं लेकिन आने वाले दिनों में इन हाल जो है मुझे तो बेहतर होती हुई नजर आ रही है देखिए बात यह है कि अगर आपने इस मुल्क में रहना है इस मुल्क में आपका पैसा है इस मुल्क में आपकी तमाम की तमाम जायदाद हैं तो अगर आप इस मुल्क के ऊपर एतबार नहीं कर सकते तो फिर पैसा लेकर आप जाएंगे कहा पैसा लेकर कहां भाग जाएंगे आप जिनके पास बेरूनी अकाउंट है चले वो तो मुंतकिल कर लेंगे तो बाकी लोग जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है जिनकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है यार उनके पास पाकिस्तान के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है इसलिए आप चीजों को समझें और इस वक्त जो ज्यादा जो है वो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि हर बंदे की ये कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को इस भवर में से निकाला जाए अब उसमें वो करप्ट है या नहीं करप्ट है, इसका हमारे साथ मौजूद है तो इनके ऊपर इतबार करना चाहिए सूरत हाल इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी आ, बाकी रहा सवाल इस बात का कि बहुत सारे लोग ये पूछते पाए जा रहे थे कि जी वो अः जो है वो आज मार्केट में इस वक्त जो आ,

लेकिन उनके जो बाकी मामला था उन पर वक्त के साथ साथ बात होती रहेगी क्लैरिटी होनी चाहिए चीजों के अंदर और क्लैरिटी मैंने दे दी जो लोग मुझे काफी अरसे से फॉलो करते हैं वो वो समझते हैं हैं चीजों को आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ब्रोकर्स के हवाले से देखिए टॉप टेन की लिस्ट जो है वो इशू हो गई है और कोशिश भी ये किया करें कि जो आपका जो अकाउंट है वो इन्हीं टॉप टेन ब्रोकर में से हो हमारे साथ भी जो दोस्त अहबाब रहा करते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए उनका भी हम इन्हीं टॉप में से किसी एक ब्रोकर में अकाउंट जो है वो ओपन करवाते हैं जहां पर हमारी बात मानी जाती है हमारी बात सुनी जाती है और मिसाइल जो है वो हल होते हैं तो आप भी अगर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो रहा कीजिए इनशाला इन्हीं में से किसी एक में आपका अकाउंट ओपन होगा ये ए पहले नंबर पर है दूसरे नंबर पर मुनीर खनानी सिक्योरिटीज हैं तीसरे नंबर पर आरफ अबीब है चौथे नंबर पर जेएस ग्लोबल है पांचवें नंबर पर के ट्रेड है छठे नंबर पर बी एम ए है सातवें नंबर पर फाउंडेशन है उसके बाद आठवें नंबर पर एमआरए है फिर डार्सन और फिर आई जी आई है तो इसमें से देख लीजिए जिसमें से आप जाना चाहते हैं हमारी हेल्प चाहिए हो तो रहा कर लीजिएगा अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को कैंडल यकीन अच्छी कैंडल है लेकिन वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए था लेकिन एक मोमेंटम है और अच्छी बात यह है कि ये मोमेंटम जो है ये जब क्लोज हुई है मार्केट तो उसमें मोमेंटम टूटा नहीं है कंटिन्यू करता हुआ नजर आया है दूसरी बात ये है कि मार्केट के बाद रेजिस्टेंस थी वो सेवनटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड की, की बनेगी जहां से मार्केट जो है वो अक्सर उकात आपको दो सौ सेवनटी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड से लेकर 79,500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये जो जोन है यहां से मार्केट आपको रजिस्ट करती हुई नजर आई माजी में आज जो है वो बड़ी ही अच्छी क्लोजिंग दी है मार्केट ने एज कंपेयर टू प्रीवियसली कि जब भी मार्केट यहां पर आती रही है मार्केट स्टे करती रही है और फिर जो है वो नीचे क्रप्शन लेती रही है अभी तक जो सिचुएशन है मार्केट की वो फिलहाल मार्केट जो है वो अपने ट्रेंड को फॉलो किए हुए है ये वो लाइन है जो कि मैं गुजश्ता काफी दिनों से आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जब तक मार्केट जो है वो इस जोन के अंदर ट्रेड कर रही है मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो किए हुए है और हमें पॉजिटिव रहना चाहिए एक मार्केट का डबल टॉप यहां पर बना जो कि मार्केट ने रिजिस्ट किया मार्केट नीचे आई अब आज की जो क्लोजिंग है वो उसके ऊपर है तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए कि कल मार्केट जो है वो इनशाला इसके ऊपर मजीद मूव करेगी और जब ये मार्केट की एक कैंडल जो है वो यहां पर आपको मिलेगी तो फिर ये जो नीचे वाला लेवल है ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा जो कि सेवनटी नाइन थाउजेंड का सॉरी सेवनटी नाइन थाउजेंड का कहलाएगा और फिर मार्केट के जो मूव है वो ऊपर की तरफ बन सकती है अब यहां पर एक, एक चीज और फिर हम जो है वो आपसे इजाजत चाहेंगे कि अब ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ने अगर यहां से आपको एक मूव दी है तो अब मार्केट जो है वो सीधी आपको जो है वो एक टॉप बनाती हुई नजर आएगी नहीं ऐसा नहीं है मार्केट यहां से ऊपर जाएगी फिर थोड़ा सा नीचे नीचे फिर फिर नीचे फिर उपर, फिर नीचे, फिर 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 ऊपर ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मूव करेगी आप ये देखिए ना कि यहां से मार्केट को यहां तक का सफर करने में कितने दिन लगे हैं कम अज कम उतने दिन तो आप मार्केट को देना यहां पर जाने के लिए ऐसा नहीं होता मार्केट में कि रातों रात या एक ही दिन के अंदर जो है वो चीजें वापस अपनी जो है वो लेवल पर पहुंच जाती है नीचे आने में शायद कम टाइम लगता है ऊपर जाने में थोड़ा सा मार्केट में, में रहेंगे तो कमाएंगे अब गुज्ता इन दिनों में आप देख लीजिए मार्केट किस तरह से उतार चढ़ाव देती रही है हम मार्केट में रहे हैं स्टॉप लॉस भी हिट हुए नई ट्रेड्स भी लेने की कोशिश की ट्रेड्स को कैरी भी किया अब आज जो है वो मार्केट ने पोजीशन दे दी तो जो ट्रेड्स थी वो आपकी पॉजिटिव हो गई देन अगले एक आध दिन में भी अगर ऐसा होता है तो आप प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा जो मार्केट में से लेने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद है कि आप भी मार्केट के साथ चलने की आदत डालेंगे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज